हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर जो कि है प्राइमरी एक्टिविटीज़, उसको डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आप सब ने जूनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, तो 12th क्लास में भी वही है, बस उसकी डिटेल स्टडी है। जो जो आपने टॉपिक्स पहले पढ़े हैं उनको इन डेप्थ दे रखा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो इस साल 12th बोर्ड्स देने वाले हैं ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली देखिएगा, क्योंकि मैंने जो इस साल के सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट मैप्स हैं फॉर द सेशन 2019-20 वो भी वीडियो के बीच में पुट करे हुए हैं। तो आप अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्योंकि वर्ल्ड के जो मैप्स हैं वो बोर्ड एग्जाम में लेबलिंग करने को आते हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा चैप्टर पढ़ने के साथ साथ। तो चलिए शुरू। Starting with the introduction, the first point says human activities that generate income are called economic activities. तो जितनी भी human activities होती हैं which are intended for earning income are called economic activities, कि उन activities जो जिन activities से human beings पैसा earn करते हैं they are called economic activities because इससे वो economic gain लेते हैं। Second point, primary activities are directly dependent on environment as these refer to utilization of earth's resources. So primary activities की बात की जाए तो like agriculture is directly dependent on environment as it refer to the utilization of earth's resources. Agriculture में बात की जाए तो earth's resources की का utilize agriculture करता है, like soil, like water, like rainfall. So primary activities are directly dependent on environment. थर्ड पॉइंट, पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस स्लाइड। क्वेश्चन भी बन सकता है इससे कि रेड कॉलर वर्कर्स किन्हें कहा जाता है। तो रेड कॉलर वर्कर्स आप ध्यान रखिएगा, रेड कॉलर वर्कर्स प्राइमरी एक्टिविटीज को जो परफॉर्म करते हैं उन लोगों को कहा जाता है, और ये इसलिए कहा जाता है ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। फोर्थ पॉइंट, प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स बट डिपेंडेड ऑन एनवायरमेंट फॉर देयर लिविंग बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। सो ये बात कर रहा है कि जो अर्लियर ह्यूमन बींग्स थे लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, दे वर डिपेंडेड ऑन एनवायरमेंट फॉर देयर लिविंग बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। क्योंकि उस टाइम पर कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो या टर्शरी एक्टिविटी हो जो हम आज प्रेजेंट डे देखते हैं वो उस टाइम पर इवॉल्व नहीं हुई थी। तो जो उस टाइम के ह्यूमन बींग्स थे दे वर डिपेंडेड ऑन एनवायरमेंट और वो अपनी लाइफ चलाते थे बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, हंटिंग एंड गैदरिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। सो हंटिंग एंड गैदरिंग आर द टू ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। जो हंटिंग एंड गैदरिंग है दे आर द ओल्डेस्ट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन टू ह्यूमन बींग्स टिल डेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गैदरिंग। द फर्स्ट पॉइंट इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज हु एक्सट्रैक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मीट देयर नीड्स। इस पॉइंट का मतलब है कि गैदरिंग जो एक्टिविटी है इट इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज। प्रिमिटिव सोसाइटीज वो होती हैं, लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया, लाइक अर्लियर ह्यूमन बींग्स, दे एक्सट्रैक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मीट देयर नीड्स। बात की जाए प्रिमिटिव सोसाइटीज को, दे आर डिपेंडेड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सस्टेनेंस। सो सेकेंड पॉइंट, गैदरिंग रिक्वायर स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लो टेक्नोलॉजी। गैदरिंग की बात की जाए तो इसमें आपको स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि आप कम पैसे खर्च करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड लो टेक्नोलॉजी, इसमें लो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, हाई टेक्नोलॉजी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट, यील्ड पर पर्सन इज लो एंड नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। यील्ड पर पर्सन का मतलब है कि हाउ मच अ पर्सन प्रोड्यूसेस। सो गैदरिंग में देखिए एक पर्सन की बात की जाए तो अ सिंगल पर्सन की यील्ड जो होती है वो गैदरिंग में कम ही होती है, बिकॉज ही कांट कलेक्ट टू मच ऑफ द प्रोडक्ट, सो सरप्लस, नो सरप्लस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस। और जितना भी गैदरिंग सोसाइटीज जो आज प्रेजेंट डे वर्ल्ड में है या पहले थी वो अपने सस्टेनेंस के लिए ही गैदर करती थी, नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पस, लाइक क्योंकि इसमें सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होता था, जितना भी होता था वो गैदरर्स की फैमिलीज के कंजम्पशन के लिए यूज होता था। फोर्थ पॉइंट, गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स लाइक मेडिसिनल प्लांट्स। सो गैदरिंग सोसाइटीज जो थी दे कलेक्टेड वैल्यूएबल प्लांट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट और वी कैन से फ्रॉम जंगल्स, लाइक मेडिसिनल प्लांट्स और गम, लेटेक्स, जितनी ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं दे कलेक्टेड सच प्रोडक्ट्स। फिफ्थ पॉइंट, गैदरिंग हैज लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट ग्लोबल लेवल। सो इस पॉइंट में बात कर रहे हैं कि गैदरिंग जो एक्टिविटी है अनलाइक अदर एक्टिविटीज, जैसे अदर एक्टिविटीज की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो थी उसका काफ़ी हाई चांसेस हैं आज की
टाइम पर भी कि वो ग्लोबल लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट बने और काफ़ी उसका कंपटीशन दे और दूसरी कंपनीज को, पर गैदरिंग का ऐसा कोई चांस नहीं है क्योंकि जो गैदरिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं दे कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, और सेकेंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ अ बेटर क्वालिटी एट लो प्राइजेस। तो जो गैदरिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर मोस्टली फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें तो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की और ये जो याले प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आप जूट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अर्लियर जूट वॉज यूज बाय इंडस्ट्रीज फॉर पैकेजिंग एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स लाइक वीट राइस। नाउ जूट हैज इज नॉट यूज फॉर इन प्लेस ऑफ जूट प्लास्टिक बैग्स आर यूज। सो प्लास्टिक इज सिंथेटिक मटीरियल, इट ऑफर्स बेटर क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी एट लो प्राइजेस। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो पहले जूट का इस्तेमाल किया जाता था अब वो प्लास्टिक से रिप्लेस हो चुका है। तो इसी तरह जो गैदरिंग सोसाइटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स से कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स चीप भी होते हैं और बेटर क्वालिटी भी ऑफर करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस गैदरिंग। नाउ वी विल डिस्कस द एरियाज वेयर सब्सिस्टेंस गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड। इट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, और इस साल के सिलेबस की बात की जाए फॉर सेशन 2019-20 ये सिलेबस में भी है, ये पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहले स्टार्ट आपको ये एरो मार्क करके दिया देंगे बोर्ड एग्जाम में, और पूछा जाएगा कि कौन सा एरिया है, विच इज दिस एरिया फॉर सब्सिस्टेंस गैदरिंग। सो दिस इज नॉर्दर्न कैनेडा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अगर ये वाला एरिया जो है दिस इज अमेजॉन बेसिन। सो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आपको मैप वर्ल्ड मैप मिलेगा उसमें ये एरिया मार्क किया जाएगा और एरो बना के पूछा जाएगा विच एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इज दिस। सो दिस इज अमेजॉन बेसिन, और साउथ अमेरिका में जो टॉप पार्ट है वो अमेजॉन बेसिन है सब्सिस्टेंस गैदरिंग में, और जो नीचे ये वाला पार्ट है दिस इज सदर्न चिली। सो आप इसको याद रखिएगा, दिस इज सदर्न चिली एंड दिस इज अमेजॉन बेसिन। मूविंग ऑन टू अफ्रीका, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल अफ्रीका फॉर सब्सिस्टेंस गैदरिंग। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एशिया, जो ये पार्ट है एशिया का दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सो इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम एंड दिस एरिया इज मार्क्ड, यू हैव टू आंसर इंटीरियर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। दिस इज साउथ ईस्ट एशिया एंड दिस इज नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर ये एरिया आपको मार्क करके पूछा जाए तो दिस इज नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज नॉर्दर्न यूरेशिया वेयर सब्सिस्टेंस गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड, दिस इज नॉर्दर्न यूरेशिया एंड दिस इज नॉर्दर्न कैनेडा। दिस इज पूरा नॉर्दर्न कैनेडा। सो ये मैप एग्जाम में आएगा, ये आप एक बार ध्यान से देखिएगा इस मैप को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है। पेस्टोरलिज्म, फर्स्ट पॉइंट, पेस्टोरलिज्म इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इट इज प्रैक्टिस्ड ईदर एट सब्सिस्टेंस और एट कॉमर्शियल लेवल। सो पेस्टोरलिज्म में बेसिकली एनिमल्स को रियर करा जाता है, एनिमल्स को हर्ट किया जाता है और एनिमल्स के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है, और मेनली पेस्टोरलिज्म इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड इट इज प्रैक्टिस्ड ईदर एट सब्सिस्टेंस और एट कॉमर्शियल लेवल। और इन्हीं दो बेसिस पर इट इज ऑफ टू टाइप्स, नोमैडिक हर्डिंग एंड कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। नोमैडिक हर्डिंग की बात की जाए तो नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड एट सब्सिस्टेंस लेवल। नोमैडिक हर्डिंग में सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसमें सरप्लस बिल्कुल नहीं होता है और थोड़ा सा सरप्लस होता है तो वो लोकल मार्केट में सेल किया जाता है, तो सब्सिस्टेंस इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इज फॉर कॉमर्शियल लेवल। तो पेस्टोरलिज्म डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है और इट इज प्रैक्टिस्ड ईदर एट सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल लेवल। सब्सिस्टेंस लेवल पे इसे नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं और कॉमर्शियल लेवल पे इसे कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग कहते हैं। ये दो टाइप हैं पेस्टोरलिज्म के। नोमैडिक हर्डिंग, इट इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, मीनिंग दैट इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेकेंड, हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। कि इसका मतलब है कि जितने भी हर्डर्स होते हैं, लाइक पीपल हु हर्ड द कैटल्स और वी कैन से अदर एनिमल्स, दे आर टोटली डिपेंडेड ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर देयर सस्टेनेंस। थर्ड, ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज वेल डिफाइंड टेरिटरी। इसका मतलब है कि जो नोमैडिक कम्युनिटीज होती हैं लाइक गड्डीज बकरवाल्स इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल वी से, तो ये अपनी एक वेल डिफाइंड टेरिटरी ऑक्यूपाई करती हैं। लाइक गड्डीज दे आर वाइडली स्प्रेड ओवर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड बकरवाल्स आर स्प्रेड ओवर गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश
and the western part of India. Fourth, different animals in different regions for nomadic herding. दिस पॉइंट इसका मतलब इस पॉइंट का मतलब है कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं वर्ल्ड में और जो वहाँ की नोमैडिक हर्डिंग कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स को मूवमेंट कराती हैं अपने साथ. कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इसी एनिमल को नोमैडिक हर्डर्स यूज़ करते हैं, अपनी उन पर एक ही एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं. ये मतलब रीजन वाइज डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल इन आप नीचे चार पॉइंट देख सकते हैं. फर्स्ट इज इन ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल्स. जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है यहाँ जो नोमैडिक हर्डिंग कम्युनिटीज़ हैं दे मूव विद कैटल्स. सेकेंड इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स द नोमैडिक हर्डर्स हर्ड शीप एंड कैमल्स. इन टिबेट herding communities herd yaks. In arctic and subarctic the nomadic herding communities herd reindeer. Next, transhumans is the feature of nomadic herding. So transhumans is basically the process of migration of these nomadic herders during summers during summers and winters. In summers they move from plain areas to mountains, and in winters they move from mountain to plain areas. This is known as transhumans. इसको समझते हैं एग्जाम्पल से. लाइक जम्मू कश्मीर एक हिली एरिया है, वहाँ की जो हर्डिंग कम्युनिटीज़ हैं इन विंटर दे मूव टू जम्मू एंड इन समर दे अगेन कम बैक टू कश्मीर वैली. तो इस तरह से ट्रांसह्यूमेंस एक तरह का फीचर है नोमैडिक हर्डिंग का. इट इज़ प्रैक्टिस बाय नोमैडिक हर्डर्स कि विंटर्स में वो उन जगहों पर चले जाते हैं जहाँ ठंडा कम हो और समर्स में वो वापस उन प्लेन्स पर चले जाते हैं जहाँ गर्मी कम हो. और लास्ट पॉइंट ऑफ द स्लाइड, नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स आर डिक्रीजिंग ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड सेकंड न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज. सो प्रेजेंट डे वर्ल्ड की बात की जाए तो आज जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं वो उनकी संख्या कम होती जा रही है. इसके दो रीजंस हैं. फर्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज. लाइक नए कंट्रीज बनते जा रही हैं और जो ये नोमैडिक हर्डर्स हैं ये डिसअपियर होते जा रहे हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं अब वो नोमैडिक हर्डर्स के लिए भी सेटलमेंट प्लान्स बना रही हैं. लाइक नोमैडिक हर्डिंग में वो एक दूसरे एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं पर जो गवर्नमेंट हैं कंट्रीज की वो इनके लिए एक परमानेंट सेटलमेंट प्लान्स ले कर रही हैं. इसलिए आज प्रेजेंट डे वर्ल्ड में नोमैडिक हर्डर्स की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस. अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग की. तो आप मैप देख सकते हैं, रीजन्स आर मार्क्ड वेयर नोमैडिक हर्डर्स आर प्रेजेंट. ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में भी है 2019-2020 के लिए. तो इसको आप एक बार देखिएगा ध्यान से. सो दिस एरिया नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया. दिस इज अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इन साउथ वेस्ट अफ्रीका. And this is island of Madagascar. This is island of Madagascar, and this is Arabian Peninsula. यहाँ पर जितनी भी Middle East की countries हैं वो सब आती हैं, like Saudi Arabia, Dubai, and Kuwait. और जो ये वाला area है India के ठीक ऊपर, this is Mongolia and Central China. तो इनमें जितने भी आपने देखे labeling, they are the areas of nomadic herders. तो like अलग अलग continents में nomadic herders हैं उनके यहाँ पर आपने कुछ example देखे जो NCERT में दे रखे हैं. ये map काफ़ी important है, ये board exam में पूछा जा सकता है क्योंकि syllabus में है. Commercial livestock rearing. First point, commercial livestock rearing is more organized and capital intensive. जो ये commercial livestock rearing activity है it is intended for money making and it is capital intensive. इसमें money का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें काफ़ी investment करी जाती है. सेकंड, इट इज़ एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंचेस. इसकी बात की जाए तो इस पॉइंट का मतलब है कि बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं. आपने अगर कोई हॉलीवुड मूवी देखी हो या कोई भी आपने शो देखा हो ऐसा, तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि एक ग्रास लैंड टाइप का होता है, उसमें जानवरों को चरने छोड़ा जाता है और फेंसेस टाइप के होते हैं. ये आई एम श्योर अगर आपने ये मूवीज़ या ऐसा कोई शो देखा है तो आपके दिमाग में ज़रूर इसकी पिक्चर आई होगी. तो एनिमल्स को ऐसे छोड़ा जाता है. तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में यही होता है. इसमें परमानेंट रेंचेज होते हैं और वो रेंचेज को पार्सल्स में डिवाइड किया जाता है. पार्सल्स मतलब एक फिक्स्ड एरिया. लाइक अगर एक एनिमल को ग्रेस करने के लिए इतनी ग्रास चाहिए तो उसके लिए उतनी ही ग्रास का फेंस करके रखा जाता है. ये इसलिए किया जाता है टू रेगुलेट ग्रेजिंग, कि वरना अगर एनिमल ज़्यादा ग्रेज कर देगा तो इससे ओवर ग्रेजिंग का खतरा बढ़ जाता है, विच यू ऑल नो इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट.
ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड। तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग की बात की जाए तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें एक ही तरह का जानवर जो होता है वो रियर करा जाता है, मीन्स इट इज रियर्ड। फिफ्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस, एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स। तो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस, जो इसका मेन एम्फेसिस होता है वो ब्रीडिंग पे होता है, लाइक क्रॉस ब्रीडिंग, हाई ब्रीडिंग, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, क्योंकि मनी मेकिंग इसका मेन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाना ही इसका मेन मोटो होता है, इसलिए ब्रीडिंग और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, जिससे जानवर ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, उस पर मेन फोकस होता है। और हेल्थ ऑफ एनिमल्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, हेल्थ ऑफ एनिमल्स इसका एक पॉइंट है कि हेल्थ ऑफ एनिमल्स को काफ़ी देखा जाता है और डिजीज कंट्रोल मेथड्स को भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सब्सिस्टेंस गैदरिंग। नाउ दीज आर द एरियाज ऑफ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इन द वर्ल्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इट इज इन द सिलेबस फॉर द सेशन 2019-20 क्लास 12 ज्योग्राफी। सो दिस एरिया इज USA। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि याला एरिया आपको मार्क करके दे देंगे और पूछेंगे कि आइडेंटिफाई दिस एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। सो दिस इज USA, दिस इज अर्जेंटीना एंड दिस इज उरुग्वे। देखिए साउथ अमेरिका के मैप में ध्यान से देखिएगा कि जो ये वाला एरिया है, दिस इज होल अर्जेंटीना, और जो साइड में ये है दिस इज उरुग्वे। तो अगर ये पूछा जाता है तो आपको उरुग्वे मार्क करना है। कमिंग टू अफ्रीका, जो साउथ पार्ट है अफ्रीका का, यहाँ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस की जाती है। सो दिस इज पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, दिस इज साउथ वेस्ट अफ्रीका, हेयर कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस्ड। ऑस्ट्रेलिया, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑल्सो इन न्यूजीलैंड। नाउ एशिया, तो जो रशिया के पार्ट्स हैं यहाँ भी कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस की जाती है, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि इट इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न वर्ल्ड, सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन रशिया। नेक्स्ट स्लाइड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द प्लानिंग ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स। सो एग्रीकल्चर की सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो लाइक पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि हंटिंग एंड गैदरिंग दोनों पे डिपेंडेंट होती थी, कि हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग। तो और फिर हमने पढ़ा नोमैडिक हर्डिंग की, जिसमें एनिमल्स को हर्ड किया जाता था। एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें दोनों चीज़ों पर एम्फेसिस किया जाता है, कि क्रॉप्स को भी उगाया जाए और एनिमल्स को भी रियर करा जाए। सेकेंड, एग्रीकल्चरल सिस्टम। इस पूरे लेसन में हम ये 9 जो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं ये पढ़ेंगे। फर्स्ट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू प्लांटेशन एग्रीकल्चर, देन टू एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन, टू मिक्स फार्मिंग, देन टू डेयरी फार्मिंग, देन टू मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, देन टू मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, देन कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग। सो हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम की बात की जाए तो इट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इट इज राइस डोमिनेंट, सेकेंड इट इज नॉन राइस डोमिनेंट। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, वेजिटेशन इज क्लियर्ड बाय फायर, एशेस एड्स फर्टिलिटी टू द सॉइल, ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, वी ऑल आर फेमिलियर टू दिस कंसेप्ट, इन विच द फार्मर्स और द पीपल हु प्रैक्टिस दिस कल्टिवेशन, दे क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑन इट, एंड आफ्टर फोर टू फाइव ईयर्स वेन दैट पैच ऑफ लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, दे मूव ऑन टू अनदर पैच ऑफ लैंड, दे क्लियर द वेजिटेशन फ्रॉम that patch of land and then they practice agriculture on it. Second, cultivated patches are small and primitive tools like hoes and sticks are used. So primitive subsistence activity do not use any kind of mechanized means. Mechanized means like tractors and harvesters, threshers. It is practiced on small patches and primitive tools like hoes and sticks are used for it. Third problem is the cycle of jhum becomes less and less fertile due to loss of fertility.
इस पॉइंट को, इस पॉइंट में ये कह रहा है कि जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से, ये है कि जो झुंड की साइकिल होती है, लाइक जो फार्मर्स एक पैच दूसरे पैच में मूवमेंट करते हैं, ये कम होती जाती है और लेस फर्टाइल होती जाती है, क्योंकि फर्टिलिटी काफ़ी कम होती जाती है कि अगर एक फार्मर दूसरे पैच में मूव कर रहा है तो जो उसने पहले जो पैच पे कल्टीवेट किया उसकी फर्टिलिटी रिगेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इससे जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अब इसे इतना प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका कवर काफ़ी कम हुआ, जो फॉरेस्ट का एक्चुअल कवर परसेंट था वो काफ़ी रिड्यूस हुआ इससे, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो एक पैच को क्लियर करते थे दूसरे पे मूव करते थे, और जिस पैच पे उन्होंने पहले फार्मिंग करी थी इट वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, और सॉइल को फर्टिलिटी रिगेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर, इन स्टेट में इस एक्टिविटी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग कहा जाता है, और सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, और इंडोनेशिया एंड मलेशिया की बात की जाए तो इस एक्टिविटी को लेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस गैदरिंग। नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन एरियाज ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड वेयर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। सो दिस इज सेंट्रल अमेरिका। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन साउथ अमेरिका एज वेल। इट इज प्रैक्टिस्ड इन अफ्रीका एंड दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। इट इज प्रैक्टिस्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। दिस मैप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन इट। नेक्स्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात की जाए तो ये मेनली एशिया के रीजन्स में पाया जाता है, एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया, जहाँ मानसून का एक तरह से मानसून विंड्स कवर अप करती हैं और मानसूनी बारिश होती है, वहाँ ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। लाइक एग्रीकल्चर सिस्टम जो था हमारा, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर सिस्टम हमने बात करी थी, इट वॉज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सिस्टम। इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। अब ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है ये भी डिवाइडेड है टू टाइप्स में। फर्स्ट इज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टिवेशन। तो एशिया में उन एरियाज में जहाँ मानसून की बारिश काफ़ी अच्छी होती है या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी अवेलेबल होती हैं, वहाँ राइस को कल्टिवेट किया जाता है, और जो फर्स्ट टाइप है वो कहता है राइस डोमिनेंट। ये उन एरियाज में उगाया जाता है जहाँ वाटर सफिशेंट अवेलेबल हो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं और ये लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है जो डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन होता है। द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। क्योंकि ये एक सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है तो इसमें जो पर लेबर प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, और यील्ड पर यूनिट एरिया काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रॉप को उगने के लिए बात की जाए तो मानसून इम्पॉर्टेंट होता है, और रेन रेन की वजह से जो पर यूनिट एरिया यील्ड होती है यानी प्रोडक्शन होता है पर यूनिट एरिया वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो होती है। सेकेंड, डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन राइस। सो एशिया की बात की जाए तो एशिया में सारी सारी ही रीजन्स ऐसे नहीं है कि यहाँ सफिशेंट रेनफॉल हो राइस की ग्रोथ के लिए या फिर राइस की कल्टीवेशन के लिए, तो उन एरियाज़ में जहाँ जो राइस में जहाँ बारिश नहीं होती है या फिर वाटर स्कार्सिटी होती है उन एरियाज़ में दूसरी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के अंदर आता है। फर्स्ट पॉइंट सेज राइस कांट बी ग्रोन ड्यू टू डिफरेंसेज इन फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स लाइक क्लाइमेट, रिलीफ, कई रीजन्स ऐसे हैं जो जो राइस की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते हैं। सेकेंड, सोयाबीन, बारले, सोरघम आर ग्रोन इन सच एरियाज वेयर राइस इज नॉन डोमिनेंट। थर्ड, इरीगेशन इज यूज इन दिस। और जो ये लास्ट पॉइंट है, इरीगेशन इज यूज इन दिस, ये एक तरह का डिफरेंस है बिटवीन डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टिवेशन एंड डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन राइस। क्योंकि जो डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टिवेशन होता है उसमें टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है और इरीगेशन का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है, तो इरीगेशन उसमें यूज़ होती है विच इज़ डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन राइस। क्योंकि जो फर्स्ट वाला हमने डिस्कस किया उसमें जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी सफिशेंट होती है, इसलिए इरीगेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड वाले में इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वाटर स्कार्सिटी होती है और बारिश प्रॉपर नहीं होती है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सब्सिस्टेंस गैदरिंग।
Next, areas of intensive subsistence agriculture. This is also important for the board exam. It is, although it is not in the syllabus for this year, but please have a look on this so you'll have an idea of where this is practiced. This is North Korea. So this is practiced in North Korea, intensive subsistence agriculture. It is also practiced in North Japan. This is North Japan. This is northern part of Japan. And this is North China. This is North China. Don't get confused. This was North Korea. And this is North China. So it is practiced in North China. Although this will not be asked this year, but it is important to know where intensive subsistence agriculture is practiced. Next, plantation agriculture. So first point, it was introduced by Europeans in their former colonies in tropics. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यूरोपियंस लाइक ब्रिटिश डच स्पेनिश दे इंट्रोड्यूस्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन देयर फॉर्मर कॉलोनीज लाइक इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने टी गार्डन्स इंट्रोड्यूस करवाए प्लांटेशन ह्यूज प्लांटेशंस वर देयर सेकंड दिस एग्रीकल्चर इज प्रॉफिट ओरिएंटेड हैव लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रॉफिट ओरिएंटेड इसमें जो मेन मोटो होता है इट इज टू अर्न प्रॉफिट एंड इट हैज लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम इसका मतलब कि द फील्ड्स आर स्प्रेड इन ह्यूज हेक्टर्स लाइक 10 एकर्स की जमीन होगी और उस पर सिंगल उसकी लाइक कॉफी की प्लांटेशन है तो इट इज स्प्रेड इन वाइड एरिया एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डन नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर सो द फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर द फर्स्ट पॉइंट लार्ज प्लांटेशन लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसा कि हमने बात करी कि ब्रिटिशर्स ने इसे कॉलोनीज में अपने इंट्रोड्यूस करा था तो प्रेजेंट डे की बात भी करी जाए तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो लार्ज प्लांटेशंस में प्रैक्टिस किया जाता है लार्ज प्लांटेशंस वो एरिया होते हैं लाइक 10 एकर्स ऑफ लैंड है वो एक पूरा 10 एकर्स को यूज किया जाता है फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर पूरे के पूरे 10 एकर्स बहुत इतने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करा जाता है और लार्ज प्लांटेशंस होती हैं और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो प्लांटेशन ओनर्स होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं सेकंड यूज़ ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसमें जो फार्मर्स होते हैं दे यूज़ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग लाइक ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स थ्रेशर्स थर्ड सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लाइक और उसकी बात की जाए तो ये एक दो चार टाइप के एग्रीकल्चर में कॉमन भी होती है दो चार चीज़ें बट इसमें सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन किया जाता है ऐसा नहीं किया जाता है कि प्लांटेशन जैसे होगी तो उसमें चार पांच क्रॉप्स आप एक साथ उगा देंगे इसमें क्या होता है कि कॉफ़ी प्लांटेशन जो टर्म होता है इसको अक्सर यूज़ किया जाता है तो इसमें कॉफ़ी प्लांटेशन का मतलब है कि अगर प्लांटेशन है तो उसमें सिर्फ कॉफ़ी ही उगाई जाएगी उसके अलावा कोई क्रॉप नहीं उगाई जाएगी ना टी उगाई जाएगी ना कुछ और उगाया जाएगा तो जो प्लांटेशन होती है वो सिर्फ एक क्रॉप को स्पेशलाइज करती है लाइक एक सिंगल प्लांटेशन है तो वो सिर्फ एक क्रॉप पर फोकस करेगी फोर्थ चीप लेबर एंड साइंटिफिक मैथड फॉर कल्टिवेशन प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए चीप लेबर एंड साइंटिफिक मैथड फॉर कल्टिवेशन इसके लिए चीप लेबर अवेलेबल होता है और जो क्रॉप्स होती है उन्हें कल्टीवेट करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं फिफ्थ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इट नीड्स क्लोजनेस और वी कैन से नियरनेस टू द मार्केट सो इट नीड्स अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये आप एक टेबल देख सकते हैं इसमें हमने डिस्कस किया है कि यूरोपियंस दिस इज यूरोपियंस हु इंट्रोड्यूस प्लांटेशन क्रॉप्स इन देयर कॉलोनीज और उन्होंने कौन सी क्रॉप इंट्रोड्यूस की लाइक यूरोपियंस जो थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज में कौन सी क्रॉप इंट्रोड्यूस करी तो फ्रेंच की बात की जाए तो फ्रेंच ने वेस्ट अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ इंट्रोड्यूस करा और ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो हु रूल्ड अस फॉर 200 ईयर्स उन्होंने इंडिया श्रीलंका मलेशिया वेस्ट इंडीज़ इन कंट्रीज़ में टी रबर बनाना शुगर केन इन क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करा एज प्लांटेशन क्रॉप्स इनको काफ़ी लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता था और जो स्पेनिश एंड अमेरिकन्स थे उनकी जो फिलीपींस में कॉलोनीज थी उन्होंने वहाँ कोकोनट और शुगर केन की प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस करा और जो डच थे दे इंट्रोड्यूस्ड शुगर केन इन देयर कॉलोनी इंडोनेशिया सो इस टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज में कौन कौन सी क्रॉप इंट्रोड्यूस करी नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस नेक्स्ट Now we will have a look on the areas where plantation agriculture is practiced. This is Brazil. Brazil की बात की जाए तो coffee.
There are huge fazendas of coffee in Brazil. So, major plantation of coffee is located in Brazil. Second, this is tea. So, in Sri Lanka and this northeastern part of India, tea plantations are located, and in Malaysia, the rubber plantations are located. This will not be asked in this year's board exam, but it's important. Please have a look on it. Next, extensive commercial grain cultivation. So, the first point, it is practiced in interior parts of semi-arid lands of mid latitudes. इसका मतलब है कि जो extensive commercial grain cultivation है, वो semi-arid lands मतलब जहाँ water scarce होता है, but डेजर्ट नहीं होते कंप्लीटली, बट डेजर्ट की बात की जाए तो दे आर एरिड लैंड्स, दे आर सेमी एरिड लैंड्स। यहाँ वाटर इजिली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब एक सेंस में आप कह सकते हैं कि वाटर की स्कार्सिटी होती है, बट थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होता है ऑफ मिड लैटिट्यूड्स। जो मिड लैटिट्यूड्स हैं उन एरियाज में से प्रैक्टिस किया जाता है। सेकेंड, वीट, कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राय आर ग्रोन। तो जो इन ये एरियाज होते हैं ऑफ सेमी एरिड लैंड्स, वीट, कॉर्न, बार्ले, ये सब चीज़ें वहाँ उगाई जाती हैं। थर्ड, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन में जो फार्म साइज होता है, इट इज़ वेरी लार्ज, हाईली मैकेनाइज्ड एंड लेस लेबर इंटेंसिव। लेस लेबर इंटेंसिव मीन्स द यू इट इज़ मोर कैपिटल इंटेंसिव, मोर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस। फोर्थ, यील्ड पर पर्सन इज हाई एज ओनली फ्यू नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज। इस पॉइंट का मतलब है कि जो यील्ड पर पर्सन है, लाइक हाउ मच अ पर्सन प्रोड्यूसेस, इट इज़ वेरी हाई, क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी कम नंबर पे इंगेज होते हैं। लाइक अगर एक फील्ड है उसमें सिर्फ दो ही लोग इंगेज होते हैं, क्योंकि जो इट इज़ हाईली मैकेनाइज्ड, यहाँ हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स और दूसरी टाइप की मशीन्स का यूज़ किया जाता है, तो इसमें लोग इट इज़ लेस लेबर इंटेंसिव, तो इसमें लोग काफ़ी कम इंगेज होते हैं, इसलिए ये यील्ड पर पर्सन इसमें काफ़ी हाई होती है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और अगर आप उसे यील्ड पर पर्सन देखेंगे तो वो भी ज़्यादा होगी, बिकॉज फ्यू नंबर ऑफ पीपल आर इंगेज्ड। लास्ट पॉइंट, टोटल यील्ड इज हाई ड्यू टू लार्ज फार्म साइजेस। तो फार्म साइज इतना बड़ा होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है, इट इज वेरी लार्ज। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस गैदरिंग। नेक्स्ट, नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इन द सिलेबस फॉर 2019-20 बोर्ड एग्जाम ऑफ ज्योग्राफी। सो दिस एरिया, दिस इज कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज। जो ये एरियाज हैं, दे आर ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग इन नॉर्थ अमेरिका। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, एंड इन साउथ अमेरिका दे आर पंपास ऑफ अर्जेंटीना। इन पंपास ऑफ अर्जेंटीना एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। नाउ कमिंग टू अफ्रीका, दिस इज नोन एज द वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। सो इन द वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। दीज आर नोन एज ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। ये ऑस्ट्रेलिया के डाउन पार्ट में, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन डाउन्स हैं, दे लाई इन डाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के नीचे साइड को लाई करते हैं। एंड दिस इज कैंटरब्यूरी प्लेन ऑफ न्यूजीलैंड, दिस इज न्यूजीलैंड। सो इन न्यूजीलैंड ऑल्सो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन कैंटरब्यूरी प्लेन्स। दीज आर यूरेशियन स्टेपीज, स्टेपीज आर ग्रास लैंड्स। सो इन यूरेशियन स्टेपीज एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड एज वेल। ये मैप आप अच्छे से देखिएगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में ये आएगा इस बार, क्योंकि सिलेबस में है और ज़्यादा चांसेस हैं इन मैप्स के आने के। तो आप वीडियो में जितने मैप्स दिखाए जा रहे हैं, जिन पे मार्क किया जा रहा है कि अपियर होंगे एग्जाम में और सिलेबस में है, आप उन्हें अच्छे से देखिएगा। मिक्स्ड फार्मिंग। सो एज द टर्म सजेस्ट, मिक्स फार्मिंग से आप सब समझ गए होंगे कि इसमें एक से ज़्यादा क्रॉप ही उगाई जाती होगी, तभी इसे मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ डन इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मिक्स फार्मिंग है, ये डेवलपिंग कंट्रीज की एक्टिविटी नहीं है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक USA, लाइक रशिया। सेकेंड, फार्म्स आर ऑफ मॉडरेट साइज। मिक्स फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है कि फार्म्स बहुत छोटे होते हैं या बहुत बड़े होते हैं, दे आर ऑफ मॉडरेट साइज। थर्ड, वीट, बार्ले, ओट्स, मेज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। फोर्थ, फॉडर क्रॉप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। फॉडर क्रॉप्स की बात की जाए तो फॉडर क्रॉप्स मीन्स फूड फॉर द कैटल्स। ये फॉडर मतलब चारा, चारे वाली क्रॉप्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं मिक्स फार्मिंग में, इनको भी ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट, इक्वल एम्फेसिस इज ऑन कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री।
एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाए तो कल्टीवेशन के साथ, जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है उसके साथ मेन फोकस एनिमल हस्बेंड्री पर भी होता है। इसकी बात की जाए तो एनिमल्स से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको भी मार्केट में सेल किया जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग, ये कंसेप्ट आपने साइंस या पिछली क्लासेस में ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि क्रॉप रोटेशन मतलब एक सीजन में अगर आपने ये वाली क्रॉप उगाई, आपने क्रॉप ए उगाई, तो नेक्स्ट सीजन में आप क्रॉप ए नहीं उगाएंगे, क्योंकि जो क्रॉप ए से फर्टिलिटी लूज हुई होगी वो आप अगर उसे दोबारा उगाएंगे तो हो सकता है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाए। इसलिए दे आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स विच दे आर ग्रोन, दे आर रोटेटेड। क्रॉप को रोटेट किया जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो सीजन, दो से तीन सीजन में लगातार एक ही क्रॉप आप उगा रहे हैं एक फील्ड पे, ऐसा नहीं किया जाता है। क्रॉप रोटेट की जाती है, एक सीजन में आपने क्रॉप ए उगा दी, दूसरे सीजन में आपने क्रॉप बी उगा दी, और इंटरक्रॉपिंग भी की जाती है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि एक ही फील्ड पे आप, जैसे एक लाइन है, आपने एक लाइन में सनफ्लावर्स उगा दिए और दूसरी दूसरे दूसरी ओर आपने कुछ और क्रॉप उगा दी, से आपने पटेटोज उगा दी या टमाटो उगा दिए, तो इंटरक्रॉपिंग की जाती है कि फार्म्स जैसे मॉडरेट साइज के होते हैं उनमें एक साइड ये उगाया जाता है, एक साइड टमाटर उगाए जाते हैं, एक साइड आलू उगाए जाते हैं, ऐसा होता है। और जो ये जो दो मेन क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग है, ये दे हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, वरना सॉइल की बात की जाए तो वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। इसलिए जो क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग है, इन दो टेक्निक्स को यूज किया जाता है सो दैट सॉइल रिगेन्स इट्स फर्टिलिटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सड फार्मिंग आर, इट इज हाईली कैपिटल देर इज हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो फार्म मशीनरी की बात की जाए तो बिल्डिंग शेड्स एंड बिल्डिंग बिल्डिंग सीलोज, जहाँ मतलब ग्रेनरीज, जहाँ इन सबका चारा स्टोर किया जाता है, या फिर बांस वी कैन से, तो इसमें काफ़ी हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सेकेंड, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। इस मिक्स फार्मिंग की बात की जाए तो इसमें प्रॉफिट भी अर्न करने का सोचते हैं जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। सिंस इट इज प्रैक्टिस्ड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इससे क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स से यील्ड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन लैंड ज़्यादा करती है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स काफ़ी लार्ज स्केल में यूज किए जाते हैं। फार्मर्स आर स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज इन फार्म एक्टिविटीज़। जो फार्मर्स मिक्स फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं, दे आर हाईली स्किल्ड एंड दे हैव एन एक्सपर्टीज इन फार्म एक्टिविटीज। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सब्सिस्टेंस गैदरिंग। सो नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन द एरियाज ऑफ मिक्स फार्मिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। दिस रीजन इन नॉर्थ अमेरिका, दिस इज ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इन दिस रीजन मिक्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। एंड दीज आर, ये जो एरियाज आप देख सकते हैं ये कंबाइंड, दे आर टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट्स, दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ये आप याद रखिएगा, जो ये पोर्शन है दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यहाँ मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। एंड दिस इज पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया की बात की जाए तो मतलब जो आधा एशिया में लाया करता है और आधा यूरोप में लाया करता है, तो पार्ट्स ऑफ यूरेशिया में ही मिक्स फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट मैप है, ये इस साल के सिलेबस में भी है बोर्ड एग्जाम के, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ये लेबलिंग के लिए मैप पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, डेयरी फार्मिंग। सो फर्स्ट पॉइंट सेज इट इज मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। इसमें जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं लाइक काउज, लाइक बफलोज, उन सबको रियर करा जाता है, एंड इट इज एन एडवांस्ड टाइप ऑफ फार्मिंग। सेकेंड, इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। ये दोनों है, पिछले क्रॉप्स में, पिछले एग्रीकल्चर टाइप ऑफ सिस्टम्स में पढ़ रहे थे कि एक एक्टिविटी थी जो एक होगी वो लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होगी, दूसरी कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होगी, पर जो डेयरी फार्मिंग है इट इज़ बोथ कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा यूज होता है और लेबर इंटेंसिव मतलब जो लोग इसमें इंगेज होते हैं वो भी लेबर्स, दे आर ऑन हाई स्केल। थर्ड, एनिमल शेड्स, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स एड टू द कॉस्ट ऑफ दिस फार्मिंग। सो जो एनिमल शेड्स के कंस्ट्रक्शन में, फार्म मशीनरी और मिल्चिंग मशीन्स जो ये फार्मर्स अपने डेयरी फार्म्स में लगाते हैं, दिस ऐड टू द कॉस्ट ऑफ दिस फार्मिंग, दैट्स वाई इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड, इट हैज़ एन एज ओवर क्रॉप कल्टिवेशन एज देर इज नो ऑफ सीजन। क्रॉप कल्टिवेशन की बात की जाए तो वी हैव खारिफ सीजन, राबी सीजन, जैद सीजन, तो जो डेयरी फार्मिंग है उसमें कोई सीजन की जरूरत नहीं होती है।
There is no off season for dairy farming, so it has an in this way it has an edge over crop cultivation. Next, emphasis on cattle breeding, healthcare, veterinary services. तो इसमें जो cattles होती हैं उनका काफ़ी ध्यान रखा जाता है because profit earning एक main target होता है farmers का, तो cattle की breeding ताकि like जर्सी काओ की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा quantity में milk देती है, तो जर्सी काओ को एक कोई इंडियन वैरायटी की काओ के साथ ब्रीड कराया जाता है फॉर बेटर एंड एफिशिएंट आउटपुट की, मतलब जिससे मिल्क काफ़ी अच्छा होगा और जो एनिमल की हेल्थ होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी. सेकंड, हेल्थ केयर और वेटरनरी सर्विसेज पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है. डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज. इसको प्रैक्टिस करने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्ट्स दे आर पेरिशेबल. पेरिशेबल का मतलब कि वो बहुत जल्दी ख़राब होने का खतरा है, लाइक मिल्क अगर वो 2-3 दिन रह गया तो वो ख़राब हो सकता है. तो इट इज़ प्रैक्टिस नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज. नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन हैव इंक्रीज्ड ड्यूरेबिलिटी ऑफ दीज पेरिशेबल गुड्स. तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है डेयरी फार्मिंग में कि ट्रांसपोर्ट में जो डेवलपमेंट आया कुछ डिकेड्स में, रेफ्रिजरेशन का जो सिस्टम आया कि आप मिल्क को रेफ्रिजरेट करके स्टोर कर सकते हो, और पास्चराइजेशन का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्होंने जो पेरिशेबल गुड्स डेयरी फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी है और डेयरी फार्मिंग को काफ़ी हेल्प किया है. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस गैदरिंग. Now we will have a look on areas of dairy farming, the regions where dairy farming is practiced. So the first, this is Canada. Dairy farming is practiced in Canada. Dairy farming is practiced in, this is northwestern part of Europe. Dairy farming is also practiced in northwestern Europe. This is Tasmania. Tasmania is located in Australia, in southern Australia, and this is southeastern Australia. So, जितने भी marked regions हैं, इन areas में dairy farming practice की जाती है. हालांकि ये map इस session के लिए board exam में नहीं है. This is not in the syllabus for the session 2019-20, but ये important है, आप देख लीजिएगा इसको. सारे maps important हैं. If you are preparing for civil services, तो आपको एक idea होना चाहिए कि dairy farming कहाँ practice की जाती है, तो किन-किन areas में, ताकि आपको एक rough idea हो. इसलिए मैंने सारे मैप्स बना दिए हैं. हालांकि सिलेबस में ये सारे मैप्स नहीं थे, कुछ मैप्स, बट आई इंक्लूडेड टू सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया कि कौन सी फार्मिंग किन एरियाज में की जाती है. नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर. फर्स्ट पॉइंट, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर. कॉमर्शियल अगेन इट मीन्स द सेम, इंटेंडेड फॉर मनी. सेकेंड, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो मेडिटेरेनियन सी एग्रीकल्चर की बात की जाए तो ये मेडिटेरेनियन सी की जो वाली साइड है, विच जहाँ यूरोप लाई करता है, उस साइड पे प्रैक्टिस किया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैप दिखाया जाएगा, आप उस पर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है. ईदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप का मतलब ये है कि मेडिटेरेनियन सी है उसकी जो एक यूरोप वाली साइड है, वहाँ इसे प्रैक्टिस किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस इन नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. थर्ड, विटीकल्चर इज स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन की पीडीएफ लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं. सो विटीकल्चर इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन. विटीकल्चर में क्या होता है कि विटीकल्चर इज बेसिकली द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स. सो इन दिस बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स आर प्रोड्यूस्ड. सो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स प्रोड्यूस की जाती हैं, और जो ग्रेप्स हैं और जो इन्फीरियर ग्रेप्स होते हैं, मतलब जो इतने अच्छे नहीं होते कि उनसे वाइन्स प्रोड्यूस की जा सकें, उनको भी यूज़ किया जाता है बाय मेकिंग रेजिन्स एंड करंट्स. रेजिन्स मतलब किशमिश और मुनक्का बनाया जाता है इन्फीरियर ग्रेप्स से, सुखा के उनको. नेक्स्ट, दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ओलिव, फिग्स एंड सिट्रस फ्रूट्स. तो सिट्रस फ्रूट्स काफ़ी स्पेशलिटी रहते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की, बिकॉज काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, लाइक ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स. और दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ओलिव एंड फिग्स विच आर कॉमर्शियल क्रॉप्स. नेक्स्ट, इट इज एडवांटेजियस एज मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स व्हेन देयर इज ग्रेट डिमांड इन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स. सो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांटेजियस है जो लोग इन्हें प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, बिकॉज ये काफ़ी वैल्यूएबल क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है विंटर्स में भी. विंटर्स में नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये एडवांटेजियस है लोगों के लिए जो इसको प्रैक्टिस करते हैं. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस गैदरिंग. नेक्स्ट,
ये मैप आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट टू गिव यू एन आइडिया कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में कौन कौन से रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, तो आप मैं आपके लिए मैप पुट किया है मैंने। देखिए ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस साल के 2019-2020 के बोर्ड सेशन में ये मैप इंक्लूडेड है। तो ये आप एक बार अच्छे से स्टडी करिएगा, क्वेश्चन इससे बन सकता है बिकॉज इट इज़ इन द सिलेबस फॉर ज्योग्राफी क्लास 12th। दिस रीजन इज अटलांटिक कोस्ट, ध्यान से देखिएगा, ये जो रीजन है इट इज अटलांटिक कोस्ट। हेयर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। दिस इज साउथ कैलिफोर्निया, दिस इज होल नॉर्थ अमेरिका, और जो इसमें याला रीजन आप देख सकते हैं, दिस इज साउथ कैलिफोर्निया, दिस इज सेंट्रल चिली। सेंट्रल चिली में भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। दीज आर द साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। दिस इज साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। अब हम आते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि मैप में हम आपको बताएंगे कि इधर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन सी का मतलब क्या हुआ। देखिए मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे लाई करता है, तो जो यूरोप वाला पार्ट है ये कंप्लीट, मेडिटेरेनियन सी आपका यहाँ है, तो जो मेडिटेरेनियन सी की ये वाली साइड पे लाई करता है ऑन ईदर साइड, इस साइड वहाँ भी प्रैक्टिस किया जाता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को। ये मैप आप ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल वन, दिस इज टूनीशिया, टूनीशिया में भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट पॉइंट सेज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स फॉर अर्बन मार्केट्स। तो इसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जाता है, लाइक फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फॉर अर्बन मार्केट्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सेकेंड, फार्म्स आर स्मॉल एंड दे आर लोकेटेड वेयर देयर इज गुड ट्रांसपोर्ट लिंक विद अर्बन सेंटर्स। सो फार्म्स आर नॉट दैट मच बिग, नॉट ऑफ मॉडरेट साइज, दे आर स्मॉल एंड दे आर लोकेटेड वेयर देयर इज गुड ट्रांसपोर्ट लिंक विद अर्बन सेंटर्स बिकॉज नियरनेस टू मार्केट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन द लोकेशन ऑफ द फार्म्स। थर्ड, एम्फेसिस इज ऑन HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड ग्रीन हाउसेज। तो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में भले ही फार्म स्मॉल होते हैं, बट जो फार्मर्स का मेन फोकस होता है इट इज़ ऑन हाई यील्ड। सो मेन एम्फेसिस होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ की जाती हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे वो लैंड उनकी। नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, USA। ये जो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर है ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और USA में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है इसको। नीदरलैंड स्पेशलाइज इन ग्रोइंग फ्लावर्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच रीजन स्पेशलाइज इन ग्रोइंग फ्लावर्स, तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नीदरलैंड्स है, सो नीदरलैंड स्पेशलाइज इन ग्रोइंग फ्लावर्स। नेक्स्ट है, और ये इंपॉर्टेंट बना भी है पिछले कुछ सालों में, कि पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रक फार्मिंग। तो रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। जैसे ऊपर हमने पढ़ा मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स इन सबको प्रोड्यूस करते हैं, और जिस फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो केवल वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और इसको ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा जाता है कि जो डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स होती है मार्केट से, वो इस बेसिस पे होती है कि जितना डिस्टेंस वो ट्रक ओवरनाइट कवर कर सकता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा गया है। कि मतलब जितना डिस्टेंस ट्रक फार्म का मार्केट से है उतना कितना यह टाइम लेता है एक ट्रक वहाँ रीच करने में, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट, फैक्ट्री फार्मिंग। सो द फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ मॉडर्न डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सो दिस पॉइंट मीन्स दैट फैक्ट्री फार्मिंग इज अ मॉडर्न डेवलपमेंट, इट इज़ अ न्यू डेवलपमेंट एंड इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली इन द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग इज डन इन स्टॉल्स एंड पेंस। इसका मतलब है कि लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और कैटल रियरिंग जो होती है वो स्टॉल्स और पेंस में ही आती है। स्टॉल्स और पेंस का मतलब होता है कि स्टॉल्स बेसिकली स्टॉल्स एंड पेंस इज बेसिकली एन एनक्लोज एरिया। तो एक एनक्लोज एरिया में इन सबको किया, इन लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और कैटल रियरिंग को करा जाता है, एक एनक्लोज एरिया, लाइक एक बड़ा सा फील्ड होगा, फेंस्ड होगा, उसमें इसे करा जाता है। थर्ड, लाइफ स्टॉक इज केयरफुली सुपरवाइज अगेंस्ट डिजीजेस एंड द लाइफ स्टॉक द एनिमल्स विच आर टू बी रेयर्ड दे आर केयरफुली सुपरवाइज अगेंस्ट डिजीजेज, द फोकस इज ऑन वेटरनरी सर्विसेज।
Fourth, require heavy capital expenditure on building, machinery and veterinary services. फैक्ट्री फार्मिंग में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होता है बिल्डिंग पे, मशीनरी पे और वेटरनरी सर्विसेज पे, कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ स्टॉक फ्रॉम डिजीजेज. नेक्स्ट, ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर. सो दिस कैन बी आस्क्ड, सो सॉरी लेट मी इरेज दिस. दिस कैन बी आस्क्ड that breed selection and scientific breeding is an important feature of which type of farming. So you have to keep it in mind that this is an important feature of factory farming. The breed is selected and the breeding is done scientifically. This is done to fight for the animals, to fight against diseases, and since it is based on scientific method, it is done. Next, cooperative farming. So cooperative means with support of others. So as the first point says, a group of farmers from cooperative societies pool their resources for more efficient and profitable farming. तो जो farmers का group होता है from cooperative societies, वो सब अपने resources एक efficient और profitable farming करने में लगाते हैं. कि ऐसा नहीं होगा कि like अलग अलग farmers कर रहे हैं, वो सब एक cooperation बनाएंगे और उसके बाद जो group of farmers होगा वो profitable farming के लिए अपने सारे resources एक साथ pool करेगा. Second, helps farmer to procure all important farming inputs, sell products at the most favorable prices and process quality products at cheap rates. So इस point को समझने के लिए आप इंडिया के कंटेक्स्ट में अमूल का एग्जांपल ले सकते हैं, कि अमूल भी एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का एग्जांपल है. लाइक पहले जो आनंद विच जहां अमूल आज सिचुएटेड है प्रेजेंट डे, तो वहां के जो फार्मर्स थे, दे यूज्ड टू सेल देयर मिल्क टू एन मिल्क कंपनी विच वॉज इन महाराष्ट्र. आई थिंक पॉल्सन उसका नाम था, पॉल्सन नाम की कंपनी थी, मिल्क कंपनी, उसको अपना मिल्क सेल करते थे. तो उनको काफ़ी लॉस होता था क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल फार्मर सेल करेगा तो कंपनी उसे इतना प्रॉफिट नहीं होता था, कि एक फार्मर सेल कर रहा है दूसरा अलग उस कंपनी को दे रहा है, तो फार्मर्स को इतना प्रॉफिट नहीं होता था. तो उन सब ने क्या करा, उन सब ने एक कोऑपरेशन बना ली कि हम सब अपने सारे रिसोर्सेज पूल करेंगे और उसके बाद एक साथ मतलब कलेक्टिव मिल्क इन कंपनी को देंगे. उससे क्या हुआ कि जब वो कलेक्टिव मिल्क देते थे तो दे यूज टू गेट मोर प्रॉफिट देन बाय इंडिविजुअल सेलिंग. तो यही एक अमूल के एस्टेब्लिशमेंट की स्टोरी भी थी. फिर ये काफ़ी पॉपुलर हुआ ये कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिया में, एंड टुडे यू नो अमूल इज द टेस्ट ऑफ इंडिया. सो थर्ड पॉइंट इज इट इज मोस्ट सक्सेसफुल इन डेनमार्क, एवरी फार्मर इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव. दिस कैन ऑल्सो बी द क्वेश्चन कि इन विच एरिया, इन विच कंट्री एवरी फार्मर इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव. इट इज इन डेनमार्क, एवरी फार्मर इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव. सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस एग्जाम्पल दैट डेनमार्क इज द कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एवरी फार्मर इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव. एवरी फार्मर और द फार्मर्स आर इन ग्रुप्स, दे पूल इन देयर रिसोर्सेज फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग. Next, collective farming. First, this it is based on the principle of social ownership of means of production and collective labor. Second, collective farming is Kolkhoz model introduced in Soviet Union to improve efficiency of farming methods. तो कोलखोज मॉडल, ये आपको हो सकता है प्रैक्टिकल में पूछा जाए कि कौन से कोलखोज मॉडल इज एसोसिएटेड टू विच फार्मिंग. सो इट इज एसोसिएटेड टू कलेक्टिव फार्मिंग. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सोवियत यूनियन, जो आज के प्रेजेंट डे में रशिया है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग मेथड्स. क्योंकि रशिया की अगर हम हिस्ट्री में स्टोरी भी पढ़े, हमने जूनियर क्लास में पढ़ाई की, सोशलिज्म वॉज फॉलोड देयर, तो इक्वालिटी टाइप की लाने के लिए वहाँ जो फार्मर्स थे उनकी सबका कलेक्टिव फार्मिंग की जाती थी. थर्ड, फार्मर्स पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज आर अलाउड टू रिटेन स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट डेली नीड्स. तो फार्मर्स अपने सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ पूल कर देते थे, हालांकि उनको कुछ प्रपोर्शन जो लैंड का होता था, देवर अलाउड टू रिटेन इट टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट डेली नीड्स. बाकी जो पूरा लैंड का एरिया होता था उसमें सब कलेक्टिव फार्मिंग करते थे. लाइक बड़े बड़े एरियाज, बड़े बड़े एकर्स ऑफ लैंड्स वर देयर, एंड फार्मर्स थ्रू कलेक्टिव मीन्स यूज टू flow and grow crops on that. Government sets yearly targets. Farm produce is sold to state at fixed prices. तो इसमें जो government थी वो farmers के लिए, जो farmers का collective group था, उनके लिए एक target fix करती थी कि इस साल में आपको ये target achieve करना है, कि like you have to produce 10 कट्टे ऑफ वीट, आपको एक साल में 10 वीट के कट्टे प्रोड्यूस करने, तो आपको करने हैं. गवर्नमेंट इसमें ईयरली टारगेट प्रोड्यूस करती थी और
जो फार्म प्रोड्यूस था वो गवर्नमेंट को फिक्स प्राइस पे बेचा जाता था, और बाद में गवर्नमेंट इसे डिस्ट्रीब्यूट की करती थी अलग अलग फैमिलीज़ में फॉर इक्वालिटी लाइक सोशलिज्म। ये हिस्ट्री का कंसेप्ट है, इसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सरप्लस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड इन द मार्केट। और अगर किसी, जैसे गवर्नमेंट ने एक लैंड पे ईयरली टारगेट सेट किया कि 100 kgs ऑफ राइस, सो 100 kg की जगह अगर 110 kg हो गया तो 10 kg का सरप्लस हुआ, तो इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड इन द मार्केट। डिस्ट्रीब्यूट होता था उनमें, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर फैमिलीज में, या फिर इट वॉज सोल्ड इन द मार्केट। और इसका जो सरप्लस का था उनको, फार्मर्स को काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड दिया जाता था। थर्ड लास्ट पॉइंट, फार्मर्स हैड टू पे टैक्सेस ऑन फार्म प्रोड्यूसेस एंड हायर्ड मशीनरी। और फार्मर्स को फार्म प्रोड्यूसेस पर टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे, और जो वो मशीनरी हायर करते थे लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर, उन पे भी उनको पे करना पड़ता था। माइनिंग। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हियर वी स्टार्ट। एक्टिविटी ऑफ टेकिंग आउट ओर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज माइनिंग, एज वी ऑल नो। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगैन विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वी ऑल नो टुक प्लेस इन 17th-18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। सो माइनिंग का डेवलपमेंट भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब ट्रेन्स वगैरह चलने लगी, जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, दे रिक्वायर्ड कोल एंड अदर मिनरल्स फॉर फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, तभी माइनिंग के ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। थर्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग आर, तो माइनिंग को अफेक्ट करने के लिए दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फिजिकल फैक्टर्स, सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड साइज, ग्रेड, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ डिपॉजिट्स, वाइल इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड डिमांड फॉर मिनरल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर। तो फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में साइज, लाइक माइंस का क्या साइज है, ये अफेक्ट करता है कि माइनिंग किस स्केल पे की जाएगी, लार्ज स्केल पे की जाएगी या स्मॉल स्केल पे की जाएगी। ग्रेड की बात की जाए तो किस क्वालिटी का मिनरल है, क्या अच्छी क्वालिटी का मिनरल है या फिर थोड़ी डाउन क्वालिटी का मिनरल है। जैसे कि हमने कोल में पढ़ा है कि कोल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट, लिग्नाइट। तो इसमें से जो एंथ्रासाइट होता है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। और सेकेंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब डिमांड फॉर मिनरल। आखिर माइनिंग उन्हीं मिनरल्स की जाती है जिनकी मार्केट में डिमांड हो, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, एंड ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिन पर माइनिंग डिपेंड करती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अकरेंस एंड नेचर ऑफ ओर माइनिंग, इट इज ऑफ टू टाइप्स। माइनिंग को दो टाइप में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट इज सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग इज ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। सेकेंड, इट इज चीपेस्ट वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। थर्ड, कॉस्ट ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इक्विपमेंट इज लो इन दिस मेथड। आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड। तो यहाँ आप डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट मतलब जो मिनरल्स होते हैं दे आर इजिली अवेलेबल ऑन द सर्फेस। इसमें आपको ज़्यादा डीप डाउन द अर्थ नहीं जाना पड़ता है। इसमें आपको मतलब थोड़ी सी खुदाई करता है, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें थोड़ी सी खुदाई करी जाती है और मिनरल्स को, मिनरल्स आर टेकन आउट। सो इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो सरफेस पे ही लाया कर सकते हैं। जैसा आप ये डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो यहाँ पर पुट किया है, अ मैन, एक आदमी को दिखाया गया है कि ही इज़ टेकिंग आउट मिनरल्स, और देखिए ये ज़्यादा डीप डाउन द अर्थ नहीं है, इट इज़ सरफेस, ऑन द सरफेस। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेफ्टी और प्रिकॉशन इक्विपमेंट हैं ये भी काफ़ी लो चाहिए, क्योंकि सरफेस पे ही है तो ज़्यादा खतरा भी नहीं है। नेक्स्ट इज आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आउटपुट होता है वो लार्ज और रैपिड होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटीज में निकाला जाता है, क्योंकि सरफेस पे ही अवेलेबल होते हैं मिनरल्स। और रैपिड, रैपिड मतलब बहुत जल्दी निकाला जाता है। शाफ्ट माइनिंग जो उसका दूसरा टाइप है, उसमें अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, उनमें काफ़ी टाइम लगता है मिनरल्स को बाहर निकालने में। तो जो सरफेस माइनिंग होती है उसमें जो आउटपुट यानी जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, इट इज़ बोथ लार्ज एंड रैपिड। द सेकेंड मैथड ऑफ माइनिंग इज अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग इज बेसिकली यूज टू ऑब्टेन ओर विच लाइज डीप बिलो द अर्थ सर्फेस, क्योंकि मिनरल्स की लोकेशन में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। कुछ मिनरल्स आर इजीली अवेलेबल ऑन द सर्फेस वाइल अदर मिनरल्स लाइ डीप डाउन द अर्थ। सो अंडरग्राउंड माइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन दोज ओर्स और वी कैन से मिनरल्स विच लाइ डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। सेकेंड, वर्टिकल शाफ्ट्स आर संक फ्रॉम देयर ग्राउंड अंडरग्राउंड गैलरीज रेडिएट टू रीच मिनरल्स। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में वर्टिकल शाफ्ट लाइक वर्टिकली एक पुलिस टाइप की बनाई जाती है, जिनसे जो माइनर मैन होते हैं जो माइंस में काम करते हैं वो नीचे जाते हैं अंडरग्राउंड उसमें टू रीच द मिनरल्स। मिनरल्स बिकॉज दे लाई डीप डाउन द अर्थ, तो दे आर संक, वर्टिकल शाफ्ट। नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल्ड मैंने पिक्चर लगाई है, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वर्टिकल शाफ्ट के बारे में।
थर्ड मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सर्फेस बाई दीज पैसेजेस. तो एक वर्टिकल शाफ्ट जो होते हैं इन्हीं पैसेजेस से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है सर्फेस मतलब ऊपर तक, क्योंकि नीचे होते हैं, नीचे जो वर्टिकल शाफ्ट संक किए जाते हैं इनके थ्रू इन्हें ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. थर्ड अंडरग्राउंड माइनिंग रिक्वायर्स स्पेशली डिजाइंड लिफ्ट्स ड्रिल्स हॉरेज व्हीकल्स फॉर सेफ्टी एंड एफिशियंट मूवमेंट. अंडरग्राउंड माइनिंग में काफ़ी रिस्क रहता है बिकॉज डीप डाउन द मिनरल्स लाई डीप डाउन द अर्थ और कई बार सफोकेशन वगैरह इन सब चीज़ों से डेथ भी हो जाती है. तो इसलिए इसमें स्पेशली डिजाइन लिफ्ट्स और ड्रिल्स और हॉलेज व्हीकल्स चाहिए सेफ्टी एंड एफिशियंट सेफ एंड एफिशियंट मूवमेंट के लिए. नेक्स्ट मेथड इज रिस्की ऑफन कॉसेज डेथ टू लाइफ. तो सरफेस माइनिंग में तो डायरेक्टली जो माइनिंग में वर्क करते हैं वो डायरेक्टली सरफेस से ही मिनरल्स निकाल लेते हैं, बट जो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं लाइक कोल विच लाई डीप डाउन द अर्थ सर्फेस, इसमें जो इसमें वर्टिकल शाफ्ट संक किए जाते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए. तो कई बार आप सबने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि माइन में डेथ हो गई किसी वर्कर की. ये काफ़ी कॉमन रहता है जो इन एरियाज लाइक इन इंडिया द झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया इनमें जो माइनिंग है इट ऑफन कॉसेस डेथ टू लाइफ. नेक्स्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज डू नॉट प्रैक्टिस माइनिंग. तो डेवलप्ड इकोनॉमीज अब माइनिंग से रिट्रीट कर रही हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग माइनिंग, दे आर मोर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज. माइनिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी है. तो अब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो दे आर फोकसिंग मोर ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग माइनिंग. और यही रीजन है कि इंडिया जापान को आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है. आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं है. तो जो इंडिया है वो इंडिया के प्लांट्स हैं लाइक मारमागाव पोर्ट से जापान. मारमागाव पोर्ट इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान. तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अब माइनिंग प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज से मिनरल्स लेती हैं. लास्ट पॉइंट इज डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर एंगेज इन माइनिंग एक्टिविटीज ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर मोर एंगेज इन माइनिंग एक्टिविटीज लाइक इंडिया ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन. इंडिया का पॉपुलेशन साइज ही इतना है कि इस यही का कि इसलिए हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. और माइनिंग एक्टिविटीज़ कोल पहले की बात की जाए तो अब तो रेलवेज में भी काफ़ी इन्वेंशन आ चुके हैं लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ बाय इलेक्ट्रिक इंजन्स. पहले से कोल यूज़ होता था रेलवेज में तो इसलिए इन सब मिनरल्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी. तो डिफरेंस यही है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज इसे प्रैक्टिस नहीं करती है माइनिंग को, पर डेवलपिंग कंट्रीज इसे बहुत लार्ज स्केल में प्रैक्टिस करती हैं. नेक्स्ट डायग्राम. तो देखिए शेफ्ट माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग जो थी उसमें ये होता है कि दीज आर वर्टिकल शेफ्ट्स, दीज आर वर्टिकल शेफ्ट्स, इन्हें अंडरग्राउंड संक किया जाता है, ये डीप डाउन द ग्राउंड. सरफेस माइनिंग में तो यहाँ पर सरफेस पे बिल्कुल लाई करते हैं, पर इन्हें डीप डाउन द अर्थ हो गया जाता है. मिनरल्स यहाँ लाई करते हैं, यहाँ मिनरल्स होते हैं, ये डीप डाउन द अर्थ में मिनरल्स होते हैं. तो यहाँ वर्टिकल शाफ्ट संक किए जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लिफ्ट टाइप की बनी हुई है. यहाँ वर्कमैन यहाँ से मिनरल्स निकालता है और इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट होके ये लिफ्ट से यहाँ सरफेस पे मिनरल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है. सो दिस इज वर्टिकल शाफ्ट. शाफ्ट माइनिंग ऐसे की जाती है, रिस्की इसलिए होती है क्योंकि कई टाइम पर ये एरियाज में जो होते हैं अर्थ के क्रस्ट में, यहाँ कई बार अर्थक्वेक आता है या कई सारी और चीज़ें होती हैं जो सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं उस रीजन से काफ़ी हार्मफुल रहते हैं. सो लर्नर्स, दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेसन. होप यू ऑल लाइक इट. इफ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन फील फ्री टू ड्रॉप इट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स. और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा. सून द MCQs ऑफ दिस चैप्टर विल ऑल्सो बी अपलोडेड फॉर योर कन्वीनियंस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट. थैंक यू ऑल. नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस गैदरिंग.